Hello dear children, welcome to your English class. Today we will learn new topic is what comes after. What comes after means baad ka later. Okay, means yahan par hamare paas alphabets diye gaye hain. For example, jaise B ke after kaun sa letter aayega? C. Okay, next letter is, this is a F. F ke after kaun sa letter aayega? G. नेक्स्ट एग्जाम्पल के, के के आफ्टर कौन सा लेटर आएगा? एल. ओके, अब हम यहाँ पर आज क्या पढ़ेंगे, हम व्हाट कम्स आफ्टर. अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से व्हाट कम्स आफ्टर समझाऊंगी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. हमारा टॉपिक है व्हाट कम्स आफ्टर, मींस बाद का लेटर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. दिस इज अ स्मॉल सी. देखिए सी के आफ्टर क्या आएगा, यहाँ पर देखिए अल्फाबेट्स में क्या आएगा, सी के आफ्टर, सी के बाद का लेटर. तो सी के बाद कौन सा लेटर है? बी. तो नेक्स्ट लेटर इज डी. सी आफ्टर डी, स्मॉल डी. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, दिस इज अ स्मॉल ई. अब हमें अल्फाबेट्स में देखना है ई के आफ्टर कौन सा लेटर है. This is a small F. E के आफ्टर कौन सा लेटर आएगा? Small F. This is a small F. Okay? Next example. This is a small H. अब अल्फाबेट्स में देखेंगे H के आफ्टर कौन सा लेटर आएगा? I. This is a small I. Okay? So dear children, This is our English notebook. ये हमारी English की notebook है. सबसे पहले हम अपनी English की notebook में अपना topic write करेंगे. Okay? First line में हम अपना topic write करेंगे. So let's start. Start from here after margin line. W H A T. What? Repeat after me. W H A T. What? W capital लिखेंगे. बाकी सब स्मॉल. ओके, लीव स्पेस सी ओ एम ई एस. कम्स, रिपीट आफ्टर मी, सी ओ एम डी एस. कम्स, लीव स्पेस ए एफ टी ई आर आफ्टर. ओके, रिपीट आफ्टर मी, ए ए एफ टी ई आर आफ्टर एंड क्वेश्चन मार्क. ओके, रिपीट आफ्टर मी, व्हाट, डब्ल्यू एच ए टी, व्हाट, लीव स्पेस सी ओ एम ई एस. कम्स, लीव स्पेस ए एफ टी ई आर After and question mark. ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है. मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग ये टॉपिक अपने बच्चों की नोटबुक में खुद पेंसिल से मेंशन करें और उनकी इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने में उनकी हेल्प करें. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. नेक्स्ट लाइन इज आफ्टर मींस होता है बाद का लेटर. ओके, सबसे पहले हम अपनी एक्सरसाइज को राइट करेंगे, उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे. ओके, फर्स्ट लेटर इज स्मॉल बी. ओके, ऊपर के थ्री लाइंस में आप अपनी नोटबुक में पहले पॉइंट्स लगाएंगे, तब इन लेटर्स को पॉइंट्स पे राइट करेंगे. ओके, नेक्स्ट लेटर इज स्मॉल जी. ओके, दिस इज अ स्मॉल जी. नेक्स्ट लेटर इज स्मॉल डी. नेक्स्ट लेटर इज स्मॉल ए, बीच की टू लाइंस में. ओके, नेक्स्ट लेटर इज स्मॉल जे. रिपीट आफ्टर मी, दिस इज अ स्मॉल बी, दिस इज अ स्मॉल जी, दिस इज अ स्मॉल डी एंड दिस इज अ स्मॉल ए एंड दिस इज अ स्मॉल जे. ओके, अब हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है,
अब हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। अब हम बी के बाद इतना स्पेस छोड़ेंगे और यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे। ओके, तो बी के आफ्टर कौन सा लेटर आएगा? सी, स्मॉल सी। दिस इज अ स्मॉल सी, बीच के टू लाइंस में, और सी के नीचे आप फोर लाइंस में अंडरलाइन लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट लेटर इज, दिस इज अ स्मॉल जी। जी के आफ्टर कौन सा लेटर आएगा? स्मॉल एच। दिस इज अ स्मॉल एच, ऊपर के थ्री लाइंस में। ओके, एच के नीचे भी आप लोग क्या करेंगे? फोर लाइन में अंडरलाइन लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट लेटर इज, दिस इज अ स्मॉल डी। स्मॉल डी आफ्टर कौन सा लेटर आएगा? स्मॉल ई। दिस इज अ स्मॉल ई, ओके, बीच के टू लाइंस में। स्मॉल ई के नीचे भी आप क्या करेंगे? फोर लाइंस में अंडरलाइन लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज स्मॉल ए। नेक्स्ट लेटर इज स्मॉल ए। दिस इज अ स्मॉल ए, ए आफ्टर बी। दिस इज अ स्मॉल बी, ऊपर के थ्री लाइंस में। बी के नीचे भी आप फोर वाली लाइन में, बी के नीचे भी आप फोर लाइन में अंडरलाइन लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट लेटर इज स्मॉल जे। जे आफ्टर क्या आएगा? स्मॉल के। स्मॉल के, ऊपर के थ्री लाइंस में। ओके, को भी आप क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे। ओके, तो बेटा यह एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। व्हाट कम्स आफ्टर, रिपीट आफ्टर मी, एक बार आप मेरे साथ रिपीट करेंगे। डब्ल्यू एच ए टी, व्हाट सी ओ एम ई एस, कम्स, लीव स्पेस, ए एफ टी ई आर, आफ्टर एंड क्वेश्चन मार्क। क्या है हमारा टॉपिक? व्हाट कम्स आफ्टर क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट लाइन इज, दिस इज अ स्मॉल बी। बी आफ्टर क्या आएगा? स्मॉल सी। ओके, नेक्स्ट लेटर इज, दिस इज अ स्मॉल जी। जी आफ्टर स्मॉल एच। ओके, नेक्स्ट लेटर इज स्मॉल डी। डी आफ्टर कौन सा लेटर आएगा? स्मॉल ई। ओके, नेक्स्ट लेटर इज स्मॉल ए। ए आफ्टर कौन सा लेटर आएगा? स्मॉल बी। नेक्स्ट लेटर इज स्मॉल जे। स्मॉल जे आफ्टर स्मॉल के। स्मॉल जे आफ्टर स्मॉल के। बेटा ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको इस एक्सरसाइज से संबंधित कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज दूंगी, जिनका आपने स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी नोटबुक में पर डे प्रैक्टिस करनी है। ओके, ओके, थैंक्स। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।